हो रहा है सब? दीदी पहले ये खून खराबा की बात कर रहे थे, तो हम भी बोले कि दिखाई देता है खून का रंग का होता है। खून खराबा का बात मत करो पत्तन, हम लोगों ने अभी कौन चूड़ी नहीं पहन रखी ये बात अच्छे से जान रहे तुम। अगर खून का एक बूंद इधर गिरा तो उधर खून का गंगा बहा देंगे, याद रखो। आपको क्या लगता है कि बच के चल लीजिएगा यहाँ से, लाश का गठरी लेके जाइएगा। क्या है आपके मन में बाबा, क्या करवाना चाहते हैं आप यहाँ? ये बात हमसे मत पूछिए दुलार देवी, अपने आदमी लोग सबसे पूछिए। जब यहाँ शांति से पोलिंग चल रहा था तो ये पुतन कहा है अपना गैंग के साथ यहाँ पर, सबको गंगा जल और तुलसी खिलाकर क्रिया खिलाया है इसने केटी को वोट देने के लिए। एक बार ध्यान रखिए, इलेक्शन होगा तो साफ सुथरा होगा, नहीं तो नहीं होगा। नहीं होगा? हम भी यह चाहते हैं बाबा कि इलेक्शन होगा और साफ सुथरा होगा। चलो यहाँ से, चलो बैठो, चलो चल 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 चलो। राजा दीदी बुला बता नहीं, चलो चलो बिंदा चलो, चलो गाड़ी की चलो। पापा, पापा हम यहाँ रुकना चाहते हैं। कहे? पापा मैं कैंडिडेट हूँ, मुझे तो यहाँ रुकना ही चाहिए। तुम्हारा यहाँ रुकने का सवाल ही पता नहीं होता, बैठो गाड़ी में। हेलो, आइए आइए, आपको चाय पिलाइए, थोड़ा मीठा बढ़ा दीजिए। का हो बोला, तुमको क्या लगता है कौन जीतेगा ये इलेक्शन? अरे यह कौन पूछने वाला बात है जी, अरे केडी बाबू जीतेंगे। और का बोला? केडी बाबू जीतेंगे। तो तुमको कौन शक लगता है का? का बात है भाई, बड़ा सीना तान के बोल रहे हो, रोज तुम्हारा दुकान पे आके पान खाते हैं, यही से तुम उनका पक्ष ले रहे हो। एक बड़का भाई बैजुआ बब्बन लाल के घर का दुलारा था, ससुरा भोलवा ओकर घर का तो बिलाइए बन गया। तो अब आप लोग बताइए ये केकर पक्ष लेगा और केकर सपोर्ट लेगा के लिए का ना? अरे केडी का इमेज है ये तो सबको मालूम है, कोई उसको पसंद नहीं करता है। देखना इलेक्शन में निशा ही जीतेगी। निशा? कभी नहीं, उसको क्या पता है पॉलिटिक्स वोलिटिक्स के बारे में। सही कह रहे हो, अरे उठारी मुंबई जैसा बड़का शहर की लड़की है, अरे महाराजगंज के बारे में उका जानती बुझती है जी? ठीक है कह रहा है, तो यहाँ के लोग अच्छा से पहचानती भी नहीं। ये लो संपादक जी भी आ गए, इनसे पूछ लेते हैं ना, सबसे ज्यादा जानकारी इनको रहता है। हाँ संपादक जी, ये बताइए कि इस बार इलेक्शन में इस वार्ड से के जीतेगा, आपका कैलकुलेशन क्या कहता है? हमरा कैलकुलेशन तो बिल्कुल साफ है, ई वार्ड से नगर पालिका चुनाव में निशा जी ही चुनाव जीतेंगे और इसमें हमको कोई संदेह नहीं। ये आप कैसे कह सकते हैं कि निशा रानी ही जीतेगी? देखिए हमरा कैलकुलेशन महाराजगंज की वर्तमान स्थिति पर आधारित है। आज की तारीख में महाराजगंज में एक ही बाहुबली है और वो है विजय कार्तिक, और जिस प्रत्याशी को उसका समर्थन मिलेगा वही चुनाव जीतेगा। इसलिए मुझे पूरा यकीन है कि इस वार्ड से नगर पालिका चुनाव में निशा जी ही चुनाव जीतेंगे। आपका अनुमान भी ठीक लगता है। हमरा कैलकुलेशन आज तक गलत साबित नहीं हुआ है और इसको आप लोग हमरा भविष्यवाणी भी कह सकते हैं, और काउंटिंग के वक्त आप लोग खुद ही देख लीजिएगा कि हमरा बात में कितना सच्चाई है। और सिर्फ इतना ही नहीं, अपने अखबार के संपादकीय में भी मैं इस बात को लिखने जा रहा हूं, देख लीजिए। भदरिया, भदरिया कहां मर गया सारा? बड़ा बेच के सूत रहा है क्या? उठ, अरे थोड़ी नींद लग गई थी हमके, अब आ गए का? इलेक्शन नहीं गए? काहे का इलेक्शन फिलेक्शन? अरे हमको इलेक्शन फिलेक्शन से क्या लेना देना है? हाँ
अरे हम तो वहां खाली मुंह दिखाने भर को चले गए थे। ये पकड़, कोई जीते कोई हारे हमको क्या मतलब। हम तो यहाँ बस देखने आ गए थे कि तुमने हमारा काम किया कि नहीं। अरे उस्ताद, आप काम बताएं, हरम ना करें, ऐसा कैसे हो सकता कभी। मतलब मैदान मार लिया तू इतना जल्दी? हाँ। कैसे रे? अरे क्या बताए, सब लोग घर से बाहर गए थे, हरम माल अंदर कर। अरे वाह, तक कमाल कर दिया तुमने राजा। अच्छा चल, माल निकल निकल। माल तो आपको मिले जाएगा, लेकिन जरा हमको आपसे बतियाना है। हमसे? हाँ। जरूरी बात है? हाँ। अच्छा बोल बोल। सीमा कुमारी तो आपको मिले जाएगी, लेकिन बाकी हमारा क्या होगा, हम यहाँ क्या करेंगे? क्या करेगा मतलब? साला वो करेगा जो तुम्हारा काम है, सेवा करेगा हमारा, दूध मेवा रबड़ी मिठाई हमको खिलाएगा, और जो बचेगा वो तुम कोसेगा। साला हमारा नजर बचा के जो तुम यहाँ करता है वह वहां भी करना चाहता है का? हाँ? अरे नहीं उस्ताद, आप क्या बात कर रहे हैं, हम तो बस इतना कर रहे हैं कि थोड़ा चमकी भाई से हम तो सेटिंग करा दीजिए। चमकी भाई से कमरदार हमसे फिर ऐसा बात किया तुम? जा रहे हैं अभी चमकी भाई से मिलने, सीमा कुमारी का सौदा तय कर रहे हैं। खबरदार, हमसे कोई बकवास किया ना तो साला हमारा मूड बिगड़ जाएगा। कुछ नहीं बोलना, एकदम चुप। नहीं आज तो हम बोलेंगे। कहे बोलेगा? आज बोलेगा तू। अरे आप यहाँ से सीधा पैसा लेकर के चमकी भाई की कोठा पे जाएंगे हैं? सब लोग क्या सोचेंगे? क्या सोचेंगे लोग? अरे सब लोग शक करेगा आपके ऊपर। अरे थोड़ा ठंडा दिमाग से सोचिए, ठंडा दिमाग से। सीमा कुमारी तो आपे की है और आपे के रहेगी। बड़ा चिंतित लगता है। माँ ये मेरा इलेक्शन है और बाबा ने मुझे पोलिंग बूथ पे रुकने नहीं दिया। माँ ये गलत बात है। दुल्हन देखा, ये इलेक्शन तलेक्शन की जिम्मेदारी मर्दे लोग ठीक से निभा सकेला, बनिस्पत मेहरारू के। माँ कैंडिडेट मैं हूँ। ठीक बात बा दुल्हन, बाकी तोरा की नेखे भूले के चाहिए कि तू पेट से बाड़ू, बाकी ऐसा समय में तोरा हल्ला हंगामा वाला जगह में ना रहे के चाहिए। अरे हमरा सुनल में आयल बा कि वहाँ पोलिंग बूथ पे बहुत हंगामा भइल है। अब ऐसा समय में बाबा जी कहलन है ठीक कहलन है। लेकिन माँ मैं तो बस थोड़ी देर रुककर सिचुएशन को देखना और समझना चाहती थी, दैट्स इट। भाभी भाभी मम्मी बिल्कुल ठीक कह रही है, अभी आपको इस वक्त अपने पेट में पल रहे बच्चे का ध्यान देना चाहिए, और ऐसे सिचुएशन में आपका वहाँ पे रुकना बिल्कुल ठीक नहीं था। मेघा यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग, मेघा ये मेरी लाइफ का सबसे पहला इलेक्शन है, और अगर इस समय मैंने सिचुएशन को समझा नहीं और उसे फेस नहीं किया तो आगे काम कैसे चलेगा? आगे की चिंता मत कीजिए आप, बाबा और विजयकांत है ना, सब संभाल लेंगे। हाँ दुलीन, मेघा ठीक कहा था। देखा अब तू सब चिंता फिक्र छोड़ के बस अपन और अपन होए वाला बच्चा की फिक्र करे के चाहिए, बुझला। हम अभी आते हैं। तो चिंता मत करो दुली, सब ठीक होई। तुम वहां पोलिंग बूथ पर क्या कर रहे थे? तुम्हें क्या लगता है मैं पोलिंग बूथ पर वोट डालने गया था? मेघा तुम अच्छी तरह से जानती हो यार कि मुझे इन पॉलिटिकल मैटर्स में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। वो तो रंजन चाचा ने मुझे समझती वहां, लेकिन एक बात बताऊं, वहां की सिचुएशन देखकर मुझे ऐसा लगा कि यार हम दोनों के फैमिलीज के बीच रिलेशंस कभी भी नॉर्मल नहीं हो सकते। तुम जो कह रहे हो ना बिल्कुल ठीक कह रहे हो,
मुझे भी सेम ऐसे ही फीलिंग्स हो रही थी। सच कहूं तो मेरे यहाँ एक पल भी मन नहीं लग रहा, मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। अरे ऐसी लाइफ का क्या फायदा जहाँ हम खुल के मिल नहीं सके, खुल के बात नहीं कर सके। आखिर कब तक हम अपने अपने कमरों में बंद होकर फोन पे बातें करते रहेंगे? और ऊपर से ये भी डर कि कोई हमें देख न ले, कोई हमें सुन न ले। घबराओ मत मेघा, बस इलेक्शन खत्म होने भर की देर है, उसके बाद ना हम यहाँ से इतनी दूर भाग जाएंगे, इतनी दूर भाग जाएंगे, जान हमें कोई ढूंढ पाएगा न पकड़ पाएगा न कोई खोज खबर ले पाएगा। ओके, उसके बाद हम अपनी जिंदगी ना अपने तरीके से जिएंगे। हाँ उदय, हमें जो भी कुछ करना है जल्दी करना है। तुम्हें पता है मैं तुम्हें कितना मिस करती हूँ। तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, बस कुछ ही दिनों के बाद फिर हम दोनों एक साथ रहेंगे। ओके, और हमारे बीच होगा लव, लव एंड ओनली लव। ओह देव, जब तुम ऐसी बातें करते हो ना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। ऐसा लगता है जैसे तुम मेरे पास हो, तुम्हारे हाथ में मेरा हाथ है। एक नशा छा जाता है तुम्हारी इन रोमांटिक बातों को सुनकर। अच्छा बाबा, बस अब ज्यादा रोमांटिक होने की जरूरत नहीं है, अब तुम तैयारी करो यहाँ से भाग निकलने। मैं तैयार हूँ उदय, अगर तुम्हारा साथ मुझे कांटों की डगर पर चलकर मिलेगा तो मैं कांटों की डगर पर चलूंगी। अगर तुम्हारा साथ रहा ना तो मैं उन कांटों में भी फूलों की खुशबू को महसूस कर सकती हूँ। क्या बात है, तुमने तो मुझे मार ही डाला। अच्छा सुटा, अब इजाजत हो तो मैं फोन रखूं, कोई आ जाएगा ना। बाय। क्या लगता है काका, किसका जीत होगा? जैसा जीतेगी और कौन, हम एकदम श्योर हैं 12 में। सारा सेटिंग बढ़िया से हो चुका है, कोनो शक सुबह का गुंजाइश नहीं है। तुम देखना वो खाली जीतेगी नहीं, बाकी सब कैंडिडेट को धूल भी चटाएगी, देखना। ऐसा ही होना भी चाहिए, तभी महाराजगंज में पोजीशन और मजबूत है। गाड़ी सही लगा वरना बाबा। आप लोग यहाँ कैसे? ये तो हमारा सौभाग्य है, आइए ना अपना कंस्ट्रक्शन साइट है, बैठ के चाय पीते हैं। क्या बात है जी, तुम तो उधर का कुत्ता हो, इधर दुम हिलाना कैसे चले आए? अरे कुत्ता को तो रोटी से मतलब है, अगर इधर मिलेगा तो इधर भी दुम हिलाने लगेगा। दोगला साला, तुम क्या समझते हो, तुमको पहचानता नहीं है? तुम्हारे और तुम्हारे भाई के बहकाने के कारण ही रितेश ने अपना परिवार के साथ गद्दारी किया है। अभी जब उसका कहानी खत्म हो गया तो हम लोग क्या दुम हिलाने की बात कर रहे हैं? हम कह रहे हैं बाबा, आपको हमारे बारे में गलत फहमी हुआ है। अगर कोई माई के जनाई साबित कर दे कि रितेश भाई हमारी वजह से भेजी बना है तो हम अपना सर कटाने को तैयार हैं। तब गुंडा सोच विचार के फैसला लिए रहे अपने से, हम कितना समझाने का प्रयास किए बाकी। तुम अपना बात करो, तुम क्या करना चाहते हो? बाबा हम तो इतना ही कह सकते हैं कि एक बार मौका दीजिए, अरे हम आपके बहुत काम आ सकते हैं। ठीक है, घर पर आके भेंट करना हमसे, अभी नहीं बाकी इलेक्शन का, बाद में फिर सोचेंगे तुम्हारा बारे में। जो हुकुम बाबा, प्रणाम, इलेक्शन के बाद आके मिलेंगे हमसे। नमस्ते विजय भाई। अरे का है मुँह लटका है? देखिए भौजी, हमको तो पूरा उम्मीद है कि इस इलेक्शन में मेहमान बाबू जरूर जीतेंगे, और भी ऐसे वैसे नहीं, बहुत बढ़त बना के। अरे जब वोटिंग हुआ है 80%, तब फिर तो मेहमान जी का जितना श्योर है एकदम ग्रांटेड। अरे बिल्कुल बिल्कुल, आप लोग कुछ भी कहिए, हमको तो जीतने का चांस बहुत कम लगता है। आप बकवास कर रहे हैं, आपका माथा एकदम उल्टा है काजी, जब मुंह खोलेगा तो उल्टे पलटे बोलिएगा, कभी कोई शुभ बात मुंह से नहीं निकलेगा का? एक बात बोल रहे हैं तो निशा, उसकी ब्यूटी पर ही सब कोई फिदा होगा, दोनों हीरोइन से कम लगती है क्या वो?
हमको तो पक्का यकीन है हर मर्द उसी को वोट दिया होगा। तो हम सलमान खान तो है नहीं तो सबको लेडीज हमको वोट दे देगी। अरे आप तो अपना मुंह बंद ही रखिए, दिमाग तो तनी को है नहीं, कुछ भी अंडबंड बनने लगते हैं। कभी अच्छा बात भी मुंह से निकाल लिया कीजिए। और रात भर का बात है, भोर 11 बजे तक तो रिजल्ट आ जाएगा। अरे मेहमान जी तो काम करिए, बहुत टेंशन में है, जाके सूत जाइए थोड़ा, जाइए जाइए। और ड्रॉवर में दो गो टैबलेट है नींद वाला, खा लीजिएगा। जाइए जाइए, टेंशन मत लीजिए। कपड़ा खोल लीजिएगा, बदल लीजिएगा। करिया कोट उतर जाएगा, लाल बत्ती चढ़ेगा। जाइए जाइए, रेस्ट करिए। भौजी वो जितेंद्र जी आए हैं मिलने के लिए। हाँ भेज। आइए। बड़ा खुश। बैठो बैठो। हाँ वो बैठो बैठो। भौजी आज दोपहर हम बाबा से मिले थे। बाबा से? तो का हम उससे बोले कि अब रितेश की जगह हम उनके साथ काम करना चाहते हैं। कहना क्या चाहते हैं आप? बस यही कि जो काम रितेश करता था वो काम हम भी कर सकते हैं। ओह, तो तुम भी अब लालची होने लगा है? जो माल यहाँ रितेशवा को मिलने वाला था अब तुम भी सीधे सीधे वही माल चाह रहे हो? अरे बेकार का बात मत कीजिए आप, हम यहाँ कोनो लोभ लालच में नहीं आए हैं। हम तो यहाँ आए हैं कि अपने स्वर्गीय भाई धर्मेंद्र के मौत का बदला ले सके। देखो जितेंद्र, हमको आप पे पूरा भरोसा है, लेकिन आप यहाँ के वास्ते तब तक कोई काम नहीं कर सकते हैं जब तक वो विजय कंतवा के आप पे पूरा भरोसा ना हो जाए। लेकिन हमको लग रहा है कि अभी आप सही रास्ता पे चलना शुरू कर रहे हो। अच्छा बात, आप अपना काम करो, फिर हम सोचते हैं कि हमें क्या करना है। ठीक है भौजी, हम चलते हैं। दीदी इतना सीरियस बुझाता। हमरा कभी लगा था काओ बिंदा। ना वो हरवाने का जरूरत ना, ई बार बार बहुत लोग आवेगा, सोचिए समझ के। वार्ड नंबर 6 के पहले दौर की मतगणना के आधार पर श्री कृष्णदेव उर्फ केडी अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्रीमती निशा शर्मा से 251 मतों से आगे चल रहे हैं। अरे कहाँ हो रहा है, लीड कर रहे हैं। जिंदाबाद जिंदाबाद, चलो आओ। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अरे माला पहनाओ ना, जितना तो तय है, माला डालो उसके लिए। बाबू अब कार्ड क्लियर हो गया, जीत पहनाओ माला। गर्दा उड़ा दो एकदम। अपोजिट टीम बड़ा ठंडा है उधर आज। बाबू जिंदाबाद, बाबू जीतेंगे भाई, जीतेंगे बाबू, जीतेंगे। कुछ नहीं बाबू, टेंशन मत लीजिए, जीत रहे हैं आप। बाबू जिंदाबाद। मीडिया तो सर्वदूर सभी कारण फुट से आगे चल रहा है। अरे चिंता मत कर, ये तो शुरुआत है, ऐसा ही जीतेगी। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। केडी बाबू जीतेंगे, जीतेंगे भाई। हाल चाल? आओ सब सभी। राम राम। निशा भाभी जिंदाबाद, निशा भाभी जिंदाबाद। जीतेंगे भाई, जीतेंगे। निशा भाभी जिंदाबाद, जिंदाबाद। निशा भाभी जिंदाबाद, निशा भाभी जिंदाबाद। जिंदाबाद।
दूसरे दौर की मतगणना के आधार पर वार्ड नंबर 6 से श्रीमती निशा शर्मा अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्री केडी से 376 मतों से पीछे चले। लीड कर रहे हैं आप, सुने? लीड कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं, इलेक्शन जीत गए आप। तीसरे दौर की मतगणना के बाद श्रीमती निशा शर्मा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्री केली को पीछे छोड़ते हुए 812 मतों से अपनी बढ़त बना ली। वोट दिया नहीं होगा ना वो। अरे टेंशन मत लीजिए, अगला बक्सा खोलने दीजिए, अभी काउंटिंग चल रहा है। कहे थे ना ये तो शुरुआत है, जीत निशा देवी का ही होगा। निशा देवी, निशा देवी, मतगणना का चौथा दौर अभी अभी संपन्न हुआ। चौथे दौर की मतगणना के आधार पर श्री केली अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्रीमती निशा शर्मा से 946 मतों से आगे चला। दौर की मतगणना के बाद भी श्री केली अपनी बढ़त बनाए हुए अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्रीमती निशा शर्मा काफी पीछे छोड़ दिए। अब वे 1199 मतों से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी श्रीमती निशा शर्मा से 2120 मतों से पराजित हुए। श्री केली को 6240 मत प्राप्त हुए, जबकि श्रीमती निशा शर्मा के खाते में 8307 मत। अंतिम दौर की इस गणना के आधार पर वार्ड नंबर 6 श्रीमती निशा शर्मा विजयी घोषित किया। बजाइए चाल, मना क्या था आप लोगों को? किसको मुंह दिखाइएगा? तुम सबके रहते हमारे, तुम सबके हमारे, तुम सबके चलते इतना बेइज्जती आप कभी नहीं कर सकेंगे। रुक जाओ, रुक जाओ, छोड़िए, छोड़िए, छोड़िए। कहा तमाशा है, हमारा बेइज्जती करवाइएगा? हाँ उतन लेके जाओ इनका। कह चलिए चलिए उधर, पकड़ो इनको, चलिए चलो सब, चलो चले।
Congratulations. I have done it. Yes. And all the best. Oh, thank you. माँ, आपके आशीर्वाद से मैंने ये लड़ाई जीत ली। जीती तो है ही, और दूसरों को इन्होंने उखाड़ कर फेंक दिया है। माँ, आप जानती हैं, मैं पूरे 2120 वोट से जीती हूँ। और साथ ही अपनी लैंडमार्क विक्ट्री भी दर्ज कर दी है। माम जानती है, खुशी की मार में शिवर हो रही हूँ, मैं कांप रही हूँ। दुली पेट में दुख रहा है मुझे। देखो संभाल की छुट्टी तुझे बड़ा कर काका, ये जीत कोई साधारण जीत नहीं है। इस जीत से अभी बात सब लोग के सामने एकदम साफ हो जाएगा कि हम ही लोग महाराजगंज के सर राजा हैं, किंग ऑफ महाराजगंज। काका सच कहिए तो इस जीत से हम लोग का जड़ बहुत मजबूत हो गया अभी। हाँ, इसमें कौन सबका बात है, पिछले 10 बरस से महाराजगंज के नगर पालिका पर बब्बन के लोग का राज था, अब हम लोग का राज होगा। तो हमको भी यही है। अब आगे आगे तुम तो जान ही रहे हो कि अगला 5 महीना में प्रदेश के विधानसभा का इलेक्शन है, हमको अभी से उसका तैयारी में लग जाना होगा। सो तो है, तो क्या सोचे आप इस मामले में? देखो विजय, अगर प्रदेश की राजनीति पर कंट्रोल करना है तो मुख्यमंत्री को अपना आदमी बनाना होगा। काका, तब इसके लिए ज्यादा से ज्यादा अपना कैंडिडेट सबको मैदान में उतारना होगा। काहे कि जब बहुमत अपने हाथ में होगा तभी तो मुख्यमंत्री अपना आदमी बनेगा। ये जब पावर हमारे हाथ में होगा तब हमारे दोनों हाथ में लड्डू, समझो। बाहुबली तो हम रहबे करेंगे, साथ ही साथ धनबली भी बन जाएंगे, समझे? बोलो क्या क्या कह रहे हो? कब हुआ? ठीक है, पहुंच रहे हैं। क्या हुआ काका? पूरा खबर है मुझे, थोड़ा देर पहले निशा बिटिया का मिसकैरेज हो गया। काका अचानक इलेक्शन के चक्कर में बहुत टेंशन में रही बेचारी, पहले इतना टेंशन देखा नहीं ना उसने, सह नहीं पाया बेचारी का शरीर। ए शर्म आदमी, एक तो हम लोग चुनाव हार गए और ऊपर से आप लगे हुआ दूसरा ड्रामा खड़ा करने, आपके चलते, सिर्फ आपके चलते हमारा मान सम्मान और प्रतिष्ठा पूरा माटी में मिल गया उस सब लोगों के सामने। मन तो करता है कि 2-4 झापट और लगाएं। राम 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 राम। अपना आज तक का जिंदगी में हम कभी भी ऐसा चूहा का करेजा वाला मर्द कभी नहीं देखे। इतना बहादुर खानदान का दिमाग ऐसा कमजोर निकलेगा, छी 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 छी, हम तो कभी सपना में भी नहीं सोच सकते। अरे मेहमान बाबू, डुबा दिए,
बाबू बब्बन लाल के खानदान का नाम एकदम मिट्टी में मिला दिए। से क्या इज्जत प्रतिष्ठा का गाना गा रहे हैं हर कोई? हम वहां जान देने की कोशिश किए तो हल्ला हंगामा खड़ा कर दिए, लेकिन असल बात पर कोई नहीं आ रहा है। कैसा असली बात? असल बात ये कि हम इलेक्शन काहे हार गए, इस पर बात क्यों नहीं हो रही है? एक बात साफ साफ बता देते हैं, हम इलेक्शन हम नहीं आ रहे हैं, ये इज्जत हारी है दुलारी देवी, इनकी इज्जत प्रतिष्ठा मिट्टी में मिली है, हमारी नहीं, ये सब कोई जानता है, समझे? अरे मुंह बंद कीजिए अपना, नहीं तो थप्पड़ मार मार के गाल लाल कर देंगे। अरे भगवान जाने कुसुम के पापा को मिट्टी के माधव में कहां नजर आया, तो ऐसा बेवकूफ आदमी को ये परिवार का दामाद बना लिए। लेकिन ये बात तो सोचने वाला है ना कि दूसरा तीसरा राउंड तक हम लोग आगे चल रहे थे, ऐसा क्या हो गया कि अंतिम राउंड में हम लोग पीछे हो गए? इसका वजह है, इसका वजह है क्या? जब तक काउंटिंग बाहर का हो रहा था हम लोग आगे थे, और जैसे काउंटिंग चालू हुआ है मेन मार्केट एरिया का, वहीं पे पछड़ा है हमारा टीम। कहे कि मेन मार्केट से एगो सिंगल वोट नहीं मिला है केडी बाबू को, सारा वोट गया है विजय कंतवा के फेवर में। यही सब प्लानिंग था ना आपका, यही चुनाव लड़ाया ना तुमने? दोगला सब बहुत बड़ा धोखा किए हम लोग के साथ, बताना पड़ेगा कि कैसा बड़ा गलती की है। अपनी गलती का हर जाना तो चुकाना पड़ेगा वो हरामी सब। हम देखते हैं कि महाराजगंज में व्यापारी अपना धंधा पानी कैसे चलाता है। भौजी भौजी, ये को बहुत बढ़िया का खुशखबरी लाए हैं, तो जो दूसरा पार्टी है ना उनका सारा खुशी 5 मिनट में स्वाहा हो गया। क्या हुआ? विजय कंतवा को हार्ट अटैक हो गया? अरे उसे बड़ा भी हादसा हो गया हुआ। ये बोलो ना जल्दी। निशा जी पेट से थी ना, खबर मिला है कि थोड़ी देर पहले उनका बच्चा पेट में ही मर गया। सही कहा है, भगवान के यहाँ देर है अंधेर नहीं। ये खाली पेट में बच्चा मरने का बात नहीं है, ये इशारा है ये बात का कि विजय कंतवा का बुरा वक्त शुरू हो गया। क्या ये समझो कि भगवान हमारे सुहाग का बदला लिए हैं वो घर का चिराग बुझा कर? 3 लाख रुपया का बात आपने कहा है भौजी। अब देखिए तू लोग कैसे विजय कंतवा के घर परिवार का सुख शांति छीन लेते हैं। अब तरस जाएगा वो लोग कोई शुभ दिन देखे के वास्ते और शुभ बात सुनने के वास्ते, ऐसा जिंदगी हराम कर देंगे उन लोगों का। एक आंसू ना बचेगा आंख से टपक। पुतन बाबूलाल के खबर करा, हमरा बात करे के बाद। बाबूलाल से? हाँ, अब बाबा के हिसाब किताब बैठावल भी बहुत जरूरी। देखिए बहू रानी खतरे से बाहर जरूर आ गई है, लेकिन उनको आराम की पूरी जरूरत है। ये मैंने कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं, आप मंगा लीजिए और उनको दे दीजिए। आप समझ सकते हैं बच्चा गिर जाने से उनको कितना गहरा सदमा पहुंचा है। ऐसे समय पे आप लोगों का प्यार ही इनके लिए सबसे बड़ी दवा का काम कर सकती है। मैं तो बस इतना ही कहूँगी कि उनकी देखभाल पूरे ध्यान से कीजिए। वो तो हम समझत बानी डॉक्टर साहब, बाकी दुल्हन के ठीक होने में कितना दिन लगे? एक आध हफ्ता तो लगेगा ही, मेडिसिन आपको मैंने लिख दी है, समय पर देते रहिए और जरूरत पड़े तो मुझे बुला लीजिए। अच्छा तो मैं चलती हूँ, नमस्ते।